और कैसे हैं सभी? जहाँ तक उम्मीद है एकदम फिट फाट होंगे, तो मैं भी एकदम फिट फाट हूँ। पुणे की सैर कर रही हूँ आज। चलिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत एक मॉल दिखाते हैं। वो मॉल इतना खूबसूरत है कि पहली बात तो बहुत लंबा चौड़ा है और इतना खूबसूरत है कि उसको देखते देखते समझ लीजिए, इतना थोड़ा साउंड था तो हमने बोला नहीं है, बाकी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ, पुणे के बहुत ही बढ़िया एक मॉल है, नाम थोड़ा, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लगा, इतना खूबसूरत लगा कि क्या ही बताएं। तो राम राम प्रणाम, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में आज पुणे का एक बहुत ही खूबसूरत सा इन्फिनिटी मॉल है। हाँ, इन्फिनिटी मॉल है, मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए फिर एंजॉय करते हैं। अब हम मॉल के अंदर एंट्री करते हैं और इतनी खूबसूरत खूबसूरत सीनरी है कि समझ लीजिए कि जिधर नज़र जा रही थी वहीं नज़र ठहर सी जा रही थी। ये लग रहा था अब ये एंट्री हो रही है, अब हम लोग इधर एंट्री करेंगे ना नन्नू। तो देखिए इतनी अच्छी लाइटिंग है, पूरा एकदम से खूब सजा रखा है ना। ये हम दोनों गए थे ना घूमने करने यहाँ, तो यहाँ पे देखिए अगल बगल कितने खूबसूरत, मतलब हाँ नज़र ही बिल्कुल एकदम ठहर सी गई थी, नजर ही एकदम ठहर गई थी। हाँ जाने दो, हमारी नन्नू है बगल में, वॉइस रिकॉर्डिंग करवा रही हैं और इन्हीं के साथ गए थे घूमने हम। तो इधर से हम लोग सब लोग पार्किंग वगैरह की, हमारी गाड़ी हम और पीछे ही पार्क कर लिए थे। अब धीरे धीरे करके हम लोग अंदर की तरफ चलेंगे। ये क्रिसमस का जो त्योहार चल रहा है इस पे भी लोगों ने खूब सजा रखा है, तो दोनों गेट के दोनों साइड बहुत खूबसूरत उन्होंने सजा रखा था मॉल वालों ने। और वैरायटियां तो इतनी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं, बाकी एंजॉय करते हैं। जगह जगह लोग सेल्फी ले रहे थे, जगह जगह लोग फोटो खिंचवा रहे थे, जगह जगह लोग वीडियो बना रहे थे। यही सारी चीज़ थे, सिक्योरिटी टाइट है, सबको चेक करके ही अंदर जाने देते हैं। और ब्रांड तो पूछो ही मत, एक से एक ब्रांड, एक से एक डिजाइन, एक से एक चीजें, बस धीरे धीरे बढ़ते रहिए और देखते रहिए। ये लग ही नहीं रहा था कि हम अपने इंडिया में हैं। हाँ ये ठीक है, अच्छा आओ, यहाँ गए थे ना घूमी करने गए थे ना, कहाँ गए थे? हाँ हमारी नन्नू यही खूब घूम रही थी बड़े मन लगा के। कई फ्लोर का है, कम से कम 6-7 फ्लोर में तो है ये पूरी मॉल। हम लोग एक्सीलेटर के भरोसे गए थे ना, हाँ एक्सीलेटर की सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चढ़े थे और बढ़िया से घूमते हुए आए थे। क्या करते आए थे? घूमते हुए आए थे ना। ये देखो हमारी नन्नू घूम रही हैं, नन्नू की मम्मी घूम रही हैं, ये हमारी नन्नू कितनी प्यारी सी लग रही हैं, बाय कर रही हैं ना। हमारी नन्नू भी तो हीरोइन से कम थोड़ी हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सजावट तो कुछ पूछो ही मत भाई, गजब सजावट थी, गजब की सजावट थी। टाइम पास करना हो तो मस्त अपना यहाँ घुस जाओ, बढ़िया से टाइम पास हो जाएगा। जिसके पास टाइम ना हो चुपचाप चले जाओ, ज्यादा नानी नहीं है, नानी अभी बाद में आएगी। हाँ देखिए कई फ्लोर के हैं, पूरे एकदम दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बाप रे इतनी महंगी महंगी कॉफी है। बिटिया ने मेरे पूछा कि मम्मी कॉफी पी लो, को पागल कुत्ता काटा है जो इतना महंगा कॉफी पियेंगे, घर में बना के अच्छे से कॉफी ना पी लें। बाबू अभी आएगा। हाँ ये देखो बाबू गया, यहाँ लोग 350-400 की कॉफी पी रहे थे। मेरे मैं इतना बड़ा शौक नहीं रखती, ये सूट देखो ना, सूटकेस कितने सुंदर सुंदर हैं, कितने सुंदर। बाबू अभी आएगा ना, हाँ बाबू अभी आएगा। नहीं आप कुछ नहीं करोगे, देखो वो बाबू, वो देखो देखो गोदी में जा रहा, गया बाबू, अब देख ही नहीं पाए। देखो कितना खूबसूरत सजा रखे हैं ये लोग कि कुछ पूछो ही मत। वो बाबू जा रहा है, सफाई तो पूछो ही मत, हमेशा वर्कर लगे हुए हैं साफ सफाई। पापा नहीं गए थे ना, केवल हम आप और मम्मी गए थे। यहाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, खूब सारे सेल लगे हुए हैं। हम लोग तो केवल घूमने गए थे ना,
अब इसी पिन के चढ़ने की जिद, ये सीढ़ी मिल जाए हमारी नन्नू इतना ज्यादा इस पे चढ़ने के लिए तैयार रहती हैं, कुछ पूछो मत। हाँ नानी नहीं जा रही, नानी केवल रिकॉर्डिंग कर रही है। देखो ये ना नानी भी चल रही है, पीछे पीछे नानी भी चल रही है, देखो तभी तो साथ में चलेगी नानी। ये देखो, ये देखो, भाई बनाया तो गजब का मॉल है इन लोगों ने, मस्त टाइम पास। और झूमर वगैरह एक एक से सजावट तो इतने कि डेकोरेशन का तो कुछ पूछो ही मत। हाँ देखो पर्स वगैरह इतने अच्छे अच्छे हैं, तो जैसे पूना वगैरह में पैसे बरसते हैं वैसे लोग खर्च करने वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ खूब कमाते भी हैं खूब खर्च भी करते हैं, और जब कमाएगा इंसान नहीं तो खर्च करेगा कहाँ से। देखो यहाँ ये देखो डांसर तीन लगी हुई है, कैसे डांस कर रही हैं ना, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। देखो झूमर इतने खूबसूरत खूबसूरत लगे हैं, ये देखो सब बैठी हैं फेमिना मिस इंडिया लोग। ये सब मैंने दिखाया क्योंकि भाई जो चीज़ दिख रहा है तो मुझे दिखाने में क्यों शर्म आएगी, कौन नहीं पहनता। हाँ फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखो इतना खूबसूरत सजावट है भाई कि एकदम देखने लायक है। और ज्यादा दूर नहीं है, मैं एकदम हाईवे के पास में है, पुणे मुंबई हाईवे के पास में ही है वाकड़ पे। वो देखो मम्मी जा रही है, गई मम्मी, फिर इनको चढ़ना है ऊपर, इनको हर सीढ़ी चढ़नी है, एक भी सीढ़ी नहीं छोड़नी है ना। अभी और भी ये चढ़ेंगे फिर उतरेंगे भी। हमको उतरते समय बड़ा डर लगता है, बिट्टू को बड़ा मजा आता है लेकिन पर मुझे डर लगता है। मोची का ब्रांड है, देखो बहुत सारे ब्रांड है। ये देखो कितना खूबसूरत है भाई, डर लग रहा था इतना नीचे। देखो एक दो तीन चार चार पांचवे फ्लोर पे हम लोग आ गए हैं, अभी छठवां सातवां आठवां फ्लोर बाकी है, इतने फ्लोर के मार्केट है। ये देखो इनको यहाँ बैठना, इनको डर भी नहीं लग रहा है कि हम गिरेंगे, हमारी तो सांस अटकी हुई है ना। हाँ इनको डर नहीं लग रहा है, नन्नू हमारी बहुत खुरापात है इनको डर नहीं लगता। देखो इनको बार बार यहीं बैठना है, यहीं जाना है, पकड़ के लाओ ये। अह ये इतना अच्छा, ये बेल का पेड़ बनाए, बेल का पेड़ व्हाइट कलर लगाए, इसमें बेल लगे हुए हैं। ये देखो खूबसूरती तो वाकई में यहाँ की देखने लायक है। देखो गए थे हम लोग घूम वगैरह के, फिर नाश्ता वगैरह करके फिर हम लोग चले आए थे और एंजॉय खूब किया, घूमा गया ना नन्नू, हम लोग घूमे ना को। हाँ देखो कितना बढ़िया हम लोग घूम रहे हैं। बाय 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 बेटू, एलिफेंट बना है यानी हाथी, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। हाँ क्योंकि यहाँ गणेश जी की पूजा बहुत होती है तो